नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मेडिक्शा पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्लॉक का वीडियो डाला था, एक कैलेंडर का वीडियो डाला था, लेकिन क्लॉक की वीडियो के लिए बहुत सी डिमांड आई कि सर क्लॉक का आपने पार्ट टू नहीं कराया। तो पहले मैंने बस केवल आपको ये बताया था कि क्लॉक में क्या पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर में क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली अब हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को अब हम लोग पूरा करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ क्लॉक का पार्ट टू। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो कृपया करके इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में दें, फेसबुक पे चाहें आप लोग शेयर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हम लोग रेगुलरली आते रहे, रेगुलरली आप लोगों को पढ़ाते रहे। देखिए सीधी सीधी बात है, जितना ज़्यादा बच्चा कनेक्टेड होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा आदमी कंटेंट देने की कोशिश करता है। आप भी इस वाली बात को समझेंगे, ठीक है। आज देखते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि हम लोगों को टाइम दे दिया जाता है, समय हम लोगों को दिया गया था, और समय से हम लोगों को क्या निकालना था, कोण यानी कि एंगल। समय हम लोगों को दे दिया गया था, समय से हमें क्या निकालना था, एंगल। तो मैंने वहां पर आप लोगों को ट्रिक बताई थी, जैसे कि आपको अगर 7:25 का निकालना है तो 7 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, अपने दिमाग में 35 आया, दोनों के बीच का अंतर है 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 60 के बाद में अभी घंटे वाला हाथ बड़ा है तो फिर आप प्लस करोगे, प्लस कितना करोगे, जितना भी मिनट है उसको आप बटे दो कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 72.5, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो दोबारा से उस चीज़ को देख लेगा और उसके बाद ही मैं इस वाले वीडियो को आप लोग आगे चलाएं। तो देखिए अब डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लास्ट वीडियो का लिंक दे दूं, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लेंगे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमें कोण दिया गया है, कोण दिया जाएगा। सवाल किस भाषा में लिखेगा, 3 से 4 के बीच घड़ी के दोनों हाथों के मध्य, घड़ी के हाथों के मध्य थर्टी डिग्री का कोण कब कब बनेगा। तो मुझे बताना है कि कब कब मेरा 30 डिग्री का कोण बनेगा। पहली बात है, यहां पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जनरल ऑडियंस जो है हमारी वो एक फॉर्मूले को जानती है। फॉर्मूला क्या है कि मिनट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, 2/11 यहां पे लिखोगे टाइम 1 × 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, टाइम 1 × 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए आपका क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का कोण, ठीक है। टाइम 1 का मतलब है पहले वाला समय, ये कहलाता है टाइम 1, ये कहलाता है टाइम 2। छोटा वाला समय हमेशा क्या कहलाता है, टाइम 1। तो आप लोग छोटे वाले समय को आप लोग चूज कर लीजिए, छोटे वाले समय को आप लोग यहां पे आप लोग पुट करोगे 90 हो जाएगा। 90 में आप लोग क्या करोगे, 30 को जोड़ोगे और 30 को घटाओगे, तो 90 में अगर आप लोग 30 जोड़ोगे तो फिर हो जाएगा 120 और घटाओगे तो फिर हो जाएगा आपका 60। फिर उसको आप लोग 2/11 और 2/11 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एक आपका आ जाएगा 11 मिनट समथिंग का और एक आ जाएगा आपका कुछ और। यहां पे देखिएगा जरा सा कैलकुलेशन हमारी इन्वॉल्व्ड है, जरा सा एक मैं बात कर लूं कि मैं यहां पे एक मैजिकल रेशियो का मैं इस्तेमाल करूंगा, मैजिकल रेशियो, मेरा मैजिकल रेशियो है 12/11 से अगर किसी भी नंबर को, मानो 72 है, मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है और फिर उसके बाद में मुझे 11 से भाग देना है और उसके बाद में मुझे लिखना है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 11 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको बस केवल 11 से पहले भाग दे दूंगा। 72 को अगर मैं 11 से मैं भाग दूंगा तो फिर कितना आएगा, 6। उस 6 को इस 72 में आप लोग जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 78। जब आपने इसको 6 से भाग दिया तो 66 बार गया होगा, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा होगा, 6/11 लिख देंगे। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे क्या क्या चीजें हैं, जो नंबर दिया है, फिर जो आपका
क्वेश्चेंट आया, क्वेश्चेंट क्या होता है, कभी भी किसी भी नंबर से आप भाग देते हो तो यहां पर आप लोग क्वेश्चेंट लिखते हो, यहां पे आप लोग डिवाइजर लिखते हो, और यहां पर आप लोग जिस नंबर से आप लोग कर रहे हो वो लिखते हो, ठीक है। तो नंबर को क्वेश्चेंट में जोड़ दो। यहां पे मैंने 11 से 72 को भाग दिया, 6 बार भाग जा पाएगा मेरा, 6 को मैंने उठा के 72 में ऐड कर दिया, क्या हो गया 78। फिर मेरा नीचे बच के क्या आता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को मैं लिख देता हूं इस जगह पे, रिमाइंडर को मैं लिख दूंगा इस जगह पे। रिमाइंडर को जब मैं इस जगह पे लिखूंगा तो 72 को अगर मैं 66 अगर मैं माइनस करूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 6, और जिससे मैं भाग दे रहा था क्या था 11। बस ये हो गया, 12 से मल्टीप्लाई चाहे करो चाहे ना करो। एक और मैं एग्जांपल मैं दिखा देता हूं कि मानिए मुझे 60 को 12 बटे 11 से करना है। अगर नॉर्मल बच्चा करेगा वो लिखेगा 720, और 720 को फिर वो जाके अगर भाग देगा तो 11 का वो जाएगा उसका 66 बार पहले जाएगा, 60 बचेगा फिर 5 बार जाएगा, फिर उसके बाद में 5 उसका रिमाइंडर आएगा बटे 11 हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे सीधे 11 से 60 को भाग दोगे, 5 बार जाएगा, 5 को इसमें जोड़ दो 65, रिमाइंडर कितना बचा 5, नीचे लिख दो जिससे भाग दिया 65 सही 5 बटे 11। अब मेरी यहाँ पे जो ट्रिक है, ट्रिक आप लोग समझिए। देखिए मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि एक घड़ी है, एक घड़ी 12 यहां पे है, 6 यहां पे है, 3 यहां पे है, 9 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 4 यहां पे है, 5 यहां पे है, 7 यहां पे है, 8 यहां पे है, 10 यहां पे है, और 11 यहां पे है। पूरी की पूरी घड़ी मेरी कैसी है सर्कल, ध्यान देना गजब की अच्छी ट्रिक है। पूरी की पूरी घड़ी मेरी कितनी है सर्कल, यानी कि ये कितनी हो गई 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को मैंने कितने भागों में बांटा है, 12 भागों में। पिछली बार मैं बता चुका हूं कि मेरा एक भाग कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री, ये भाग भी मेरा कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। मुझे हमेशा टाइम लेना है जो छोटा वाला है, टाइम जो मुझे लेना है वो छोटा वाला है, तो छोटा वाला टाइम मेरा कौन सा हो गया 3। अब मुझे अगर 3 के साथ में 30 डिग्री अगर बनाना है तो या तो एक यूनिट आगे ले लो, या तो एक यूनिट पीछे ले लो, या तो एक यूनिट आगे ले लो या तो एक यूनिट पीछे ले लो, यानी कि एक टाइम हो रहा है तुम्हारा 3:20, एक टाइम हो रहा है तुम्हारा 3:10। तो तुम्हारे देखो दो आ गए, 3:20 और 3:10। अब इसके बाद में बस इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी तुम 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11, और इसका आंसर आ जाएगा 10 सही 10/11। बस ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया कि 3:20 और 3:10 ले लिया, कैसे, छोटे वाले टाइम पे मैंने घंटे की सुई को रखा, मुझे 30 डिग्री चाहिए, मैंने अभी अभी बताया कि यहां से यहां तक 30 डिग्री, यानी कि एक यूनिट का अंतर मेरा 30 डिग्री बनाता है। अगर वो आगे बनाएगा तो वो अपना पीछे भी तो बना सकता है, आगे बनाएगा तो बनेगा 3:20 और पीछे बनाएगा तो क्या होगा 3:10। दोनों को तुमने ले लिया और 12/11 से बस तुमने मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे ये दो आंसर्स आ गए। जरा सा फॉर्मूला लगा के देखते हैं, एक मिनट को हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फॉर्मूला है मेरा 2/11, टाइम वन कितना दिया है 3 इंटू 30 प्लस माइनस 30, ठीक है, ये मिनट का हाथ बताएगा। मिनट में यानी कि मेरे दो आंसर्स आएंगे, एक बार जब मैं प्लस लूंगा और एक बार जब मैं माइनस लूंगा। इसको मैंने किया हुआ 90+30 120, 240/11 एक आएगा, और दूसरा क्या आएगा माइनस जब मैं करूंगा 60, यानी कि 120/11। जो 240/11 है इसको अगर मैं आगे मैं सॉल्व करूंगा तो पहले दो बार फिर एक बार फिर 9/11, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 10 सही 10/11, दोनों के आगे जो मैंने T1 लिया था उसको बस केवल रख देते हैं, तो बेटा मेरा भी तो यही आंसर आया है। लेकिन मेरे आंसर की स्पीड ज़्यादा होगी हमेशा, क्यों समझना, इस साइड को मैं हटा रहा हूं, जिसको भी लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा अभी तक।
देखो भाई ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हुआ। अगर एक यूनिट का मतलब है 30, तो दो यूनिट का मतलब कि 3 में 2 को जोड़ दो भाई। एक यूनिट का मतलब है 30, तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, दो बार जोड़ दो। तो 90 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, तीन बार जोड़ दो, तीन बार घटा दो। 120 का क्या होगा कि चार आगे आ जाओ, चार पीछे चले जाओ। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो 30 यूनिट का मतलब क्या है कि एक जोड़ना है और एक घटाना है। सिंपल सी बात देखो कि तीन पे अगर तुम लोगे तो अगर तुम एक जोड़ोगे तो चार आएगा, चार का मतलब कितने मिनट, 20 मिनट। और अगर दो आएगा तो कितने मिनट, 10 मिनट। बस हो गया आंसर। देखो एक और क्वेश्चन, मानो मेरा सवाल होता 3 से 4 के बीच में 60 डिग्री बनाना है। अभी मुझे पता है एक यूनिट का मतलब 30 डिग्री, तो 60 डिग्री अगर मुझे अगर चाहिए तो यानी कि दो यूनिट, 5 में 2 को जोड़ो, 2 को घटा दो, तो 2 को जोड़ोगे आएगा 5, 5 का मतलब क्या हो गया, 25, और 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 मिनट। दोनों में क्या करो, 12/11 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या कर दो, 12/11 से मल्टीप्लाई। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो मैंने क्या बताया है कि 11 से बस केवल तुम्हें भाग देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है 12 से, तुमको 11 से केवल भाग देना है। भाग दोगे 25 को कितनी बार जाएगा, दो बार, दो को इसमें जोड़ दो, 27, ठीक है। तीन रिमाइंडर बचा तुम्हारा 3/11, इसको देखोगे इसका बन जाएगा 3/5 सही, 5/11, दोनों मेरे आंसर आ गए। हमेशा इनके आंसर आते हैं बेटा 2, और वो वहां पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार मुझे निकालना होता है कि कौन सा मेरे काम का है। आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप लोग मेरी ही ट्रिक का इस्तेमाल करें, बेटर होगा। स्पीड अभी आप लोग बस केवल देखते जाइएगा। ऑल दो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, क्योंकि पिछली बार मैं फॉर्मूला मैं लिख चुका था, उसके पश्चात भी कुछ एक बच्चों ने नीचे में कमेंट किया था कि सर फॉर्मूला आपने नहीं बताया। फॉर्मूला मैं हमेशा मैं बता देता हूं पहले ही। मानो 6 से 7 के बीच में मुझे 60 डिग्री जाना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में मुझे 90 डिग्री लेना है। दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं जरा। 60 का मतलब दो यूनिट आगे, दो यूनिट पीछे, कौन सा टाइम लोगे, छोटा वाला 6। दो यूनिट आगे जाओगे हो जाएगा 8, यानी कि 6:40, दो यूनिट पीछे जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी कि 6:20। दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12/11, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12/11। अभी ये 11 से अगर ये वाला भाग जाएगा तो ये तीन बार ये वाला जा पाएगा, 43 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7/11, ये होगा 6, एक बार जा पाएगा भाग, 21। रिमाइंडर कितना बचेगा, 9/11, चाहो तो पुट करके निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। इसको देखो 5 है, 90 डिग्री का मतलब हो गया 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे अगर 5 में जोड़ोगे 8 पे जाओगे, 8 का मतलब हो गया 40 मिनट, और 3 पीछे जाओगे तो हो जाएगा 5:10। इसको भी 12/11 कर दो, इसको भी 12/11 कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 5:10 सही, 10/11, और इसका आंसर हो जाएगा 5:43, 7/11। बस इतना फास्ट, ये फॉर्मूले के चक्कर में, घिसे पिटे रूल के चक्कर में ये नहीं पढ़ना है हमें। हमें क्या करना है कि इसको देखना है और आगे बढ़ जाना है। अभी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है कि SSC हो या NTPC हो, हर बार मेरे दो दो आंसर्स आ रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो हमारे कितने आंसर्स आ रहे हैं, दो दो आंसर्स आ रहे हैं। तो बेटा दो दो आंसर्स की बजाय वो कभी हमसे एक ही आंसर हम लोग बताए क्या करेगा, वो मुझे दे देगा 5.5 से 6 के बीच में, बताओ 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। अब एक बात ध्यान देना, जब भी कभी 5.5 से 6 पूछे तो हमेशा तुम 1 घंटे का स्लॉट ले लो, किस तरीके से लोगे कि दोनों वैल्यू तुम्हारी इंटीजर आए। स्लॉट किस तरीके से लोगे कि दोनों की दोनों वैल्यू तुम्हारी इंटीजर आए, क्या है इंटीजर, यानी कि ये 5.5 की जगह पे क्या लिख लो तुम, 5 से पूरा पूरा 6। अगर यहां वाला ये मेरे से कहता कि
पांच से साढ़े पांच, तो इसको मैं चेंज कर देता छह में। तो देखो पांच से छह के बीच में 90 डिग्री मैं निकालूंगा, और मुझे टाइम किसके बीच का चाहिए, साढ़े पांच से छह के बीच वाला। जरा सा आप सोचना, पांच है 90 डिग्री निकालना है या 90 नहीं, इस बार थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आप लोगों की खातिर, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 120 कर देते हैं डिग्री। भाई एक यूनिट का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो 120 का मतलब हो गया चार यूनिट। चार यूनिट को अगर मैं इसमें जोड़ूंगा, इसमें मैं घटाऊंगा, तो एक आ जाएगा नौ, नौ का मतलब हो जाएगा पांच बज के 45, और एक आ जाएगा तुम्हारा सीधे सीधे एक, तो एक का मतलब हो जाएगा पांच बज के 5 मिनट। इसको अगर मैं 12/11 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 × 5/11, इसको अगर मैं करता हूं 12/11 से मैं मल्टीप्लाई, तो फिर इसका हो जाएगा 5:49:11। ये लो बस मेरा आंसर आ गया। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, साढ़े पांच से छह के बीच का समय, क्या ये वाला समय मेरा साढ़े पांच से छह के बीच में होगा, क्या ये वाला मेरा साढ़े पांच से छह के बीच में होगा, नहीं होगा, तो ये वाला मेरा क्रॉस हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब कुछ एक बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर दोनों को तब भी निकालना पड़ रहा है, मैं होता तुम्हारी जगह पर कभी भी ना निकालता। क्यों, सुनो, 12/11 से अगर मैं किसी भी चीज को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक के नजदीक है, एक के बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि संख्या में कोई बहुत बड़ा उफान भरा अंतर नहीं आएगा, बहुत हल्का सा अंतर आ पाएगा। तो एक बात बताओ कि पांच में जब मैं चार को जोड़ूंगा, चार को घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूं चार यूनिट, 120 डिग्री का मतलब चार यूनिट, तो बेटा चार को घटाने पे तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो मुझे दे देगा एक, एक का मतलब होगा 5 मिनट, और 5 मिनट से कितना ऊपर मैं चला जाऊं, जो कि मैं साढ़े पांच से छह के बीच में पड़ जाऊं। तो मैं कभी भी मैं ये वाले को सॉल्व ही ना करता, मैं तुम्हारी जगह पे होता तो फिर मैं इसको सॉल्व ना करता, मैं सीधे सीधे उठा के क्या करता, चार को जोड़ देता, और चार को जोड़ने के बाद में सीधे सीधे ये मेरा आंसर आ जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को समझाने की खातिर। भाई मेरे से किसी ने कहा 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, या 7 से 8 नहीं लेते हैं इस बार, 60 डिग्री का एंगल 7.5 से 8। दूसरा सवाल है 8.5 से 9 के बीच में, 8.5 से 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। चलो आओ दोनों को देख लेते हैं। भाई ये मेरा इंटीजर नहीं है, मैंने कहा इसको चेंज कर दो, 7 से 8 के बीच में 60 डिग्री मान लो, ठीक है। मेरा छोटा वाला टाइम क्या है, 7, 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 यूनिट, 2 को जोड़ो घटा दो, एक आएगा 9, एक आएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 5 का मतलब हो गया 25 और 9 का मतलब हो गया 45। अब सोचो क्या इसको तुम 12/11 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या 7.5 से 8 के बीच में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, हटा दो, ये आ पाएगा 7, लिखो इसको इंटू 12/11, जब करोगे तो ये हो जाएगा 7:49:1/11 आंसर। जरा सा देख लो कि वो वाला आता कि नहीं आता, 7:25:12/11, और इसको अगर तुम करते तो 7:27:3/11। ये मेरे किसी भी काम का नहीं था, लेकिन ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये मेरे किसी भी काम का नहीं होगा, यानी कि मुझे झंझटों में फंसना ही नहीं है, मुझसे बस केवल जितना पूछा जाए बस केवल उतने के ऊपर मेरे को वर्क करना है। आई थिंक आप लोग इस वाली बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन क्या होता है, कई बार मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो तुमसे जितना ज़रूरी है, एक मार्क्स के लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी है, तुम्हें एक एक अंक के लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी है, वो उससे ज़्यादा तुमसे मेहनत करवा लेता है। अगर मैं रोजगार की भाषा में कहूं, तो फिर मैं तुमको मैं 10,000 रुपए दूं और मैं तुमसे मैं दिन भर का काम मैं पूरे महीने लूं, वो 10,000 रुपए भी कम है। मेहनती नहीं बनना है, मजदूरी नहीं करनी है, दिमाग से चलना है। जरा देखो क्या ये इंटीजर लिखा है, नहीं लिखा है, 8 से 9, 90 डिग्री, काम का क्या है 8.5 से 9, 90 डिग्री का मतलब हो गया 3 यूनिट, 8 में 3 यूनिट जोड़ूंगा, 3 यूनिट घटाऊंगा, 3 यूनिट अगर मैं घटाऊंगा तो 5 आएगा, 5 का मतलब 25, 25 को अगर मैं 12/11 से मैं करूंगा, वो मेरे किसी काम ही का नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूं पछड़े में। मैं सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मैं 3 यूनिट को मैं जोड़ूंगा। अभी देखिएगा 3 यूनिट को जोड़ा, यानी कि
55 मिनट, भाई तीन को जोड़ोगे 11 आएगा, 12 बटी 11 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8:60 मिनट, यानी कि 9 आएगा। अब एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 9 अगर मेरा आया है तो क्या मैं इस 9 को लूंगा, मैंने तुमसे कहा ए से बी के बीच के बच्चे बताओ, तो क्या तुम ए और बी को लोगे या बी को लोगे या ए को लोगे, नहीं लोगे ना। मैंने 8:30 से 9 के बीच में मैंने कहा, तो क्या 9 को लिया जाएगा, इसको भी नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हो गया 8:30 से 9 के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 का कोण नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आप लोगों को बताया है एक पतली सी, मतलब यार फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, 15-20 रुपए का आप लोग खर्चा कर सकते हो, एक पतली सी कॉपी लें, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको सिक्वेंशियल मैनर में बस केवल आप लोग नोट करते जाएं। कोई भी चैप्टर आगे पीछे होता है तो भाई 5 पन्ने छोड़ दो, जिनके 5 पन्ने का मतलब 5 पन्ने नहीं है, एक आगे एक पीछे, 2.5 पन्ने छोड़ दो, ठीक है, उतना बस केवल छोड़ दो, उसमें आगे तुम लिख दो। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग भाई कोण निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी फॉर्मूला इस्तेमाल करने वालों की झंड होने वाली है, बिल्कुल देखिएगा, इस सवाल के अंदर बहुत तगड़े तरीके से इनके हालात खराब होने वाले हैं। जरा सा देखिए, अभी तक क्या मैं कह रहा हूं, 60 डिग्री का कोण बना दो, 90 डिग्री का कोण बना दो, लेकिन अब मैं आपसे कुछ और कहूंगा, मैं आपसे कहने जा रहा हूं 5 से 6 बजे के बीच घड़ी के दोनों हाथों के मध्य 15 मिनट का अंतर, 15 मिनट का अंतर कब कब होगा, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी के दोनों हाथों के मध्य 15 मिनट का अंतर कब कब होगा। सिंपल सी बात सोचो, तुम्हें टाइम कौन सा लेना है, छोटा वाला 5, 15 मिनट करना है तो 5 मिनट कब होता है, जब 1 यूनिट होता है, तो 15 मिनट कब होगा, जब 3 यूनिट होगा। बात समझ में आई, याद रख लो, 30 डिग्री का मतलब भी 1 यूनिट और 5 मिनट का भी मतलब 1 यूनिट। लेकिन ये बेवकूफी का परिचय मत दीजिएगा कि यहां पे जो ना डिग्री को जो ना मिनट में चेंज करके लिख दें आप, इस बेवकूफी का परिचय यहां पे मत दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला बहुत तेजी से। देखिएगा जरा सा भाई, 15 मिनट का मतलब हो गया मेरा कितना, 3 यूनिट, मैंने 3 को जोड़ा, 3 को घटाया, मैंने जब 3 को जोड़ा तो आ गया 8, 8 का मतलब हो गया 40, 3 को घटाया तो हो गया 10, 2 यानी कि 2 का मतलब हो गया 10, इसको मैंने 12/11 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 10/11, और इसको भी जब मैंने 12/11 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 43/7/11। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तेज आंसर नहीं निकलता है, वो भी मेरे सामने आंखों के सामने ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर होते तो फिर क्या सारे के सारे ऑप्शन या तो इसके आसपास के होते या तो इसके आसपास के होते। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 12/11 की इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं पता होगी, जो आपको इस वाले वीडियो के द्वारा पता चली है। तो आज आप लोगों को ये वाली एक नई चीज पता चली। एक बार और मिनट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। सात से आठ बजे के बीच में मैंने आपसे कहा 10 मिनट का अंतर, भाई 5 मिनट का मतलब हो गया 1 यूनिट तो 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 यूनिट, 2 आगे मैं गया 9 यानी कि 45, 2 पीछे गया यानी कि 5 25, 12/11 से मैंने उठा के मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 49, 1/11 आगे लिखा हुआ है 7, और इसको अगर मैंने 12/11 से किया तो ये हो जाएगा मेरा 7:27, 3/11, बस दोनों आ गए आंसर। बस जितनी देर मैं बोल रहा हूँ शायद से 10 सेकंड भी नहीं हो रहा है, इतनी देर में हम लोगों ने दसियों क्वेश्चन हम लोगों ने लिख के डिस्कस कर दिए। कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर 90 डिग्री की आपने बात कर ली है लेकिन किताबों में तो 0 डिग्री भी लिखा होता है। मैंने कहा बालक कोई बात नहीं, 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। आपने मेरे से कहा कि सर 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 यूनिट, 0 को जोड़ना है 0 को घटाना है, हर बार आएगा 9 ही, तो यानी कि 9:45 × 12/11। मैंने कहा 9:45 का मतलब हो जाएगा 49, 1/11। भाई मैं फिर से मैं बता दूं कि 11 को 4 से मैं भाग देता हूं, सॉरी
11 को मैं 45 से भाग देता हूं, चार बार जाता है, चार इसमें जोड़ देता हूं, शेष फल यानी कि रिमाइंडर आता है एक, ऊपर लिखता हूं, नीचे सजा देता हूं जिससे भाग दिया। फिर से देखो, 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 का मतलब हो गया 0 यूनिट, 7 का मतलब हो गया 7, 7 बज के 35 इंटू 12 बटे 11, तो 7 का मतलब हो गया ये 3 से अगर मैं करूंगा 38, 2 बटे 11 आंसर आ गया मेरा। अब आप खुद ही बताइए मुझे कि क्या आपने इससे ज़्यादा फास्ट आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे आप लोग मोटिवेट करने की हमें पूरी पूरी कोशिश कीजिए, हम लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं तो हमें भी आपके साथ की पूरी तरह से ज़रूरत है। और हाँ, एक बात याद रखना, किसने बताया? अर्पित सर ने बताया। कहाँ पे बताया? मितिक्षा चैनल पे बताया। ये वाला आपको ट्रिक किसने बताया? अर्पित सर ने बताया। कहाँ पे बताया? मितिक्षा चैनल पे बताया। आओ देखते हैं इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाते हुए। 180 डिग्री का भी एंगल, जरा ध्यान देना भाई, 180 मैंने लिख दिया। 180 का मतलब हो गया भाई 30 यूनिट का मतलब, अगर जो है ना एक वो 30 डिग्री का मतलब एक यूनिट, तो 180 डिग्री का मतलब हो गया 6 यूनिट। मैंने कहा 9 में मैं 6 को जोड़ूंगा और 6 को घटा दूंगा। मैंने कहा कि भाई मैंने 6 को जोड़ा आ गया 15, और 6 को जब मैंने घटाया तो आ गया 3। बड़ी दिक्कत है, 15 आ गया है भाई, घड़ी में तो केवल 12 ही तक होता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक गए 12 हुआ, तो 12 के 3 और आगे चले जाओ, तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है? 3 ही तो लिखा हुआ है। अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है? 3 ही तो लिखा हुआ है। मानो कि यहाँ पे धोखे से मेरा कभी माइनस में 3 आ जाए, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हम लोग 0 मानते हैं, इधर जाओगे 1, 2, 3 है, तो उसका उल्टा चले आओ 3। यानी कि क्या लिखा हुआ था? 9 लिखा हुआ था। कभी भी एक बात को याद रखें कि अगर आपका यूनिट को मान लो एक्स आया, एक्स कभी भी अगर आपका 12 से बड़ा है तो उस एक्स में से आप लोग 12 को घटा दें। अगर कभी भी आपका एक्स 0 से छोटा है तो 12 में से उस एक्स को घटा दें। याद रखिएगा, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मुझे 6 यूनिट जोड़ना है, 6 यूनिट घटाना है, इसका भी मतलब 3 ही निकलेगा, इसका भी मतलब 3 निकलेगा। जोड़ोगे तो आएगा 15, माइनस करोगे तो आएगा 3। भाई 15 आया है, ये मेरा कैसा है? 12 से बड़ा, 12 इसमें से घटा दो 3, यानी कि 3 का मतलब कितने मिनट? 15, 12 बटे 11 से मल्टीप्लाई कर दो 15 को, ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। ये हो गया 9 बज के 16 सही 4 बटे 11 मिनट, 9 बज के 16 सही 4 बटे 11 मिनट। एक और सवाल देख लो। मैंने कहा कि सर 240 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। 240 का मतलब हो गया मेरा 8 यूनिट। मैं 9 में क्या करूंगा? 8 यूनिट को जोड़ूंगा, 8 यूनिट को घटा दूंगा। 8 यूनिट को जोड़ना तो मेरे को दे रहा है ये टाइम 17 का, और घटाने वाला मुझे कितना दे रहा है टाइम यहाँ पे? 1 का। 1 यूनिट का मतलब हो जाता है भाई 5 मिनट, ठीक है। 9 बज के 5 इंटू 12 बटे 11, यानी कि मैं लिख दूंगा सीधे 9 बज के 5 सही 5 बटे 11 मिनट। और ये जो 17 है ये मेरा 12 से ज़्यादा है, मैंने कहा इसको हटा दो, इसको 12 से माइनस कर दो, क्या लिखोगे? 5, यानी कि 9 बज के 25 इंटू 12 बटे 11। कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊं कि 25 का आ जाएगा 27 सही 3 बटे 11। फिर से मेरे 2 आंसर आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कतें तो दिमाग के अंदर में क्रिएट होती हैं, अन्यथा कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को ये सब सॉल्व करने में। इसी तरीके से आप लोग साथ बनाए रखें, इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ में रहें, और इसी तरीके से मैं भी आपको रोज़ नई नई चीज़ें आए दिन बताता रहूँगा। अगर पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। याद रखिएगा, किसने बताया? अर्पित सर ने बताया, और कहाँ पे बताया? मितिक्षा चैनल पे बताया। दोस्तों, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।